नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कई लोगों ने ये पूछा था कि हमारा प्लांट का डिस्चार्ज प्रेशर है कि बहुत हाई चल रहा है और सब कुछ उपाय किए कोई ठीक नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है इस वीडियो का इसी टॉपिक पर है कि हाई प्रेशर जो है ये बढ़ने का क्या कारण है, ठीक है, कौन कौन से कारण है जो हाई प्रेशर को बढ़ाता है, तो इस वीडियो में इसी बात पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह है डिस्चार्ज प्रेशर का गेज, ठीक है। तो कई लोगों का नॉर्मल चलता है 150-180 के आसपास चलता है, कई लोगों का ये 210 पर भी चला जाता है, 240 से 270 पर भी जा सकता है अगर प्लांट में कोई फॉल्ट हो तो। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण से डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें शुरू करना है कंडेंसर से। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये है कंडेंसर। तो पहला जो कारण है कि कंडेंसर के समय समय पर सफाई ना करना। अगर कंडेंसर को समय समय पर सफाई नहीं करेंगे तो हाई प्रेशर ऑटोमेटिक ज़्यादा रहने लगेगा। अगर इसका नज़ल जाम है, पाइप में स्केलिंग है, तो इसको सफाई नहीं करेंगे तो रेफ्रिजरेंट जो है अंदर का ये ठंडा नहीं हो पाएगा और वहाँ तक ठंडक नहीं पहुँच पाएगी, जिसके कारण से हाई प्रेशर ज़्यादा रहने लगेगा। तो पहला कारण है कि आप कंडेंसर को समय समय पर सफाई करते रहना है। इसके नज़ल जो है अगर जाम हो तो उसको भी सफाई करना है ताकि पानी अच्छी तरह गिरे, ठीक है। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण दोस्तों कि कंडेंसर की जो हाइट है ये कम होना। अगर कंडेंसर की हाइट कम है तो हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने लगता है, इसलिए कंडेंसर की हाइट सही ऊंचाई पर होना चाहिए, ठीक है। लगभग 12 से 15 फीट की ऊंचाई होना चाहिए कंडेंसर की, जिससे ऊपर से जो पानी गिरे वो जाते वक्त पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हवा के संपर्क में आए और ज़्यादा से ज़्यादा एयर सर्कुलेशन हो और पानी वो ठंडा हो जाए, पानी ठंडा होकर नीचे गड्ढे में जाए, जिसके कारण से पानी ठंडा रहने लगता है और कंडेंसर का जो है रेफ्रिजरेंट बढ़िया से ठंडा होता है और हाई प्रेशर लो रहने लगता है। इसलिए कंडेंसर की ऊंचाई बहुत मायने रखती है। अगर कंडेंसर की ऊंचाई बहुत कम है तो ऑटोमेटिक कंडेंसर का जो तापमान है बहुत ज़्यादा होगा, पानी गर्म हो जाएगा, इस तरह होता है। तो कंडेंसर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए जिसके कारण से एयर सर्कुलेशन बनी रहे और पानी हमेशा ठंडा होता रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये है दूसरा कारण हो गया दोस्तों। तीसरा कारण दोस्तों कंडेंसर के सभी पाइपों पर समान रूप से पानी ना गिरना। अगर किसी पाइप पर पूरे पाइप पर पानी गिर रहा है बढ़िया से, किसी किसी पाइप पर पानी नहीं गिर रहा है, तो इस तरह कंडेंसर का जो तापमान है ये बढ़ने लगता है और इसका अंदर जो हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा नहीं हो पाता, वहाँ तक ठंडी नहीं पहुँच पाती। तो अगर एक पाइप लाइन पर नीचे से ऊपर तक पानी गिर रहा है और दूसरे पाइप लाइन पर नहीं गिर रहा है तो उसके अंदर से हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट नीचे जो लिक्विड जमा है वो उसमें जाकर मिलेगा और उसको गर्म करेगा, जिसके कारण से ये पूरे पाइप गर्म हो जाएगा और यहाँ तक जितने भी लिक्विड होगा वो भी गर्म हो जाएगा। मानते हैं कि 15-20 आपका कंडेंसर है, उसमें 4-5 पर पानी सही से नहीं गिर रहा है, तो 4-5 से हाई वेपर जो रेफ्रिजरेंट है वो नीचे चला जाएगा और नीचे का भी जो लिक्विड जो बना हुआ है, लिक्विड फॉर्म में जो गैस आया हुआ है उसको भी गर्म करके वेपराइज कर देगा, उसको भी गर्म कर देगा, जिसके कारण से वो भी गर्म हो जाएगा और हाई प्रेशर ज़्यादा रहने लगेगा। तो ये जरूर रखें कि सभी पर समान रूप से पानी गिरे, एक भी खाली ना हो कंडेंसर जिसमें पानी ना गिरता हो, तभी जाकर आपका पूरी तरह से ये इफ़िशेंसी कंडेंसर की बनी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण दोस्तों प्लांट में एयर का होना। अगर प्लांट में नॉन कंडेंसेबल गैस है यानी एयर है, ज़्यादा एयर है तो हाई प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है। एयर होने का कारण है कि एयर में कई तरह का गैस होता है, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह, सारा 5-7-8 तरह का उसमें गैस होता है, जिसके कारण से अमोनिया के साथ मिलकर वो अमोनिया के जो प्रेशर है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, अमोनिया का प्रेशर लो होता है, इसलिए वो हमेशा कंडेंसर के जो ऊपरी भाग में ना उसको प्रेशर ज़्यादा बनाए रखता है और वो कंडेंस भी नहीं होता है, क्योंकि उन लोग का
अब बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है इसलिए वो कंडेंस नहीं होता है। अमोनिया कंडेंस हो जाता है लेकिन वो कंडेंस नहीं होता, वो प्रेशर रूप में ही रहता है हमेशा। इसलिए कंडेंसर के अंदर वो पूरा प्रेशर बना कर रखता है जिस कारण से हाई प्रेशर ज़्यादा रहता है। प्लांट में कहीं भी नॉन कंडेंसल गैस हो वो कभी भी कंडेंस नहीं होता है, इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमोनिया ठंडा होकर कंडेंस हो जाता है इतने तापमान पर, लेकिन वो इतने तापमान पर जो नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है उतने तापमान पर कंडेंस नहीं होता, वो गैस रूप में ही रहता है हमेशा। इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई बना रहता है, इसलिए समय समय पर इसका एयर निकालते रहें। मैंने कई बार बताया है वीडियो में एयर किस तरह निकालना है, आप रिसीवर से निकाल सकते हैं, कंडेंसर के ऊपर जो ड्रेन वाल्व है वहाँ से निकाल सकते हैं, कई तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका सिस्टम भी लगता है, उस सिस्टम को लगवा कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ज़रूरी है कि आप नॉन कंडेंसेबल जो गैस है उसको निकाल दें, नहीं तो ये कंडेंस होकर लिक्विड रूप में नहीं आता। बाकी जो गैस है अमोनिया आता है लेकिन ये प्रेशर रूप में रहता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया चौथा कारण। पांचवा कारण दोस्तों, कंडेंसर में हर साल पेंट होता है, देख सकते हैं कि ये पेंट किया हुआ है, तो ये पुराना पेंट हो गया है। अगर अगली बार इसको अगले सीजन में इसी पेंट को सफाई किए बिना इसी के ऊपर दूसरा पेंट कर देते हैं तो इसकी मोटाई बढ़ती जाती है और पाइप के और पानी जो गिर रहा है उसके बीच कंडक्टिविटी जो है ये बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से अंदर का रिफ्रिजरेंट ठंडा नहीं हो पाता, ठीक है। अंदर का जो गैस है या पाइप है और बाहर से जो पानी गिर रहा है उसके बीच कंडक्टिविटी जो है ये बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से अंदर का रिफ्रिजरेंट ठंडा नहीं हो पाता, वहाँ तक ठंडक पहुँच नहीं पाती, ये रोक देता है और इसलिए संपर्क पूरी तरह नहीं हो पाता, जिस कारण से हाई प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है और लिक्विड जो है कम बनता है, कम लिक्विड होता है, हमेशा प्रेशर रूप में रहता है जो अमोनिया है वो ज़्यादातर प्रेशर रूप में रहेगा और लिक्विड कम बनेगा। इसलिए अंदर ठंडक पहुंचना चाहिए, पाइप के अंदर ठंडक पहुंचना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों कि पुराने पेंट को पूरी तरह हर साल छोड़ना चाहिए, पूरी तरह पेंट को हटा कर ही दूसरा पेंट इसमें करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पाँचवा कारण। ये ज़रूरी है दोस्तों कि पुराने पेंट को हटा कर नया पेंट किया जाए, तभी जाकर आपका कंडेंसर जो है ये बढ़िया एफिशिएंसी प्रदान करेगी, ठीक है, और बढ़िया कुशलतापूर्वक काम करेगी। छठा कारण है दोस्तों कि कंडेंसर जो है ये हवादार जगह पर नहीं होना। अगर कंडेंसर हवादार जगह पर नहीं होगा, आसपास घेराव है, चारों तरफ से बिल्डिंग्स है, दीवारें हैं, तो इस तरह यहाँ एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता और यहाँ का हवा जो आसपास का हवा जो है ये काफ़ी गर्म हो जाता है। कंडेंसर तो अपने गर्म हवा इसको यहाँ से हटाता है क्योंकि अंदर का रेफ्रिजरेंट को अवशोषित करके पानी के जरिए बाहर वातावरण में छोड़ता है, इसलिए यहाँ का वातावरण पूरी तरह गर्म हो जाएगा और थोड़ी देर में कंडेंसर जो है ये गर्म चलने लगेगा और जिसके कारण से हाई प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कंडेंसर ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर हवादार हो, खुला जगह हो, वहाँ कंडेंसर रहेगा तो बढ़िया एफिशिएंसी प्रदान करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों प्लांट के हाई प्रेशर से बचा जा सकता है। अगर ज़्यादा डिस्चार्ज प्रेशर होता हो, 260-70 जा रहा हो, तो इस तरह का उपाय करेंगे, इससे बचेंगे तो निश्चित ही कंडेंसर जो है ये बढ़िया काम करेगा और हाई प्रेशर बहुत लो चलेगा। देख सकते हैं कि इस कंडेंसर की ऊंचाई पहले मात्र 5 फीट था, मैंने इसे करवा कर लगभग 15 फीट ऊंचा करवाया है, ग्राउंड लेवल से 15 फीट ऊंचा कराया है। अब ये 150 प्रेशर चलता है हमेशा, सिर्फ 150 प्रेशर, गर्मियों के दिन में भी 150-160 जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता और ये बढ़िया काम करता है और इलेक्ट्रिक बिल भी कम आती है। जानते हैं कि अगर डिस्चार्ज प्रेशर हाई रहता है तो इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा आने लगता है क्योंकि कंप्रेसर के ऊपर जो हेड प्रेशर है बहुत ज़्यादा हो जाता है और कंप्रेसर लोड लेने लगता है, जिस कारण से मोटर लोड लेने लगता है और एम्पेयर ज़्यादा आता है और इस कारण से जो इलेक्ट्रिक बिल है प्लांट का बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो कंडेंसर की ऊंचाई मायने रखता है दोस्तों। सातवां कारण में कई कारण हो सकते हैं। अगर आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा हो, जंगल एरिया हो, पेड़ पौधा हो और वहाँ से घेराव हो और हवा यहाँ का पास नहीं कर रहा हो, हवा बाहर से नहीं आ रहा हो तो भी दिक्कत है। चारों तरफ से पेड़ पौधा ज़्यादा लगा हो तो भी यहाँ का वातावरण गर्म हो जाएगा और कंडेंसर पूरी तरह एफिशिएंसी प्रदान नहीं करेगा और कुशलता से काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी होगा, अगर पेड़ पौधा ज़्यादा हो तो वहाँ से हटा देना चाहिए,
खुला करना चाहिए, क्योंकि प्लांट जो है ये खुला में रहता है तो बढ़िया काम करता है, कंडेंसर खुला में ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और कई कारण है इसका, जैसे कंप्रेसर का आप सर्विसिंग सही से नहीं करवाते, कंप्रेसर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो भी इस पर असर पड़ता है, तो कई कारण होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।